नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है नए फ्रेश एपिसोड में। इस एपिसोड में इसका सलूशन गारंटी से मैं बताऊंगा आपको, प्लीज लास्ट तक देख लेना। उससे पहले आप समझ लीजिए प्रॉब्लम कैसे आपका कौन सा टाइप का है। तो सबसे पहले टाइप में वो आता है जहाँ पे आपका ये पेज, कोई भी पेज आप रीलोड करने की कोशिश कर रहे हैं बट वो लोड नहीं होता है, बार बार आपको यही मैसेज पॉपअप होता है। अब प्लस आप कोई भी फ़ोन पे भी इससे करोगे तो यही प्रॉब्लम आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, इन केस में वाईफाई एक ही होगा आपका और सारे कोई भी डिवाइस में आप जब भी उस वाईफाई से कनेक्ट करोगे या पेज को रीलोड करोगे आपको यही चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा। बट आप वहीं पर अपना फ़ोन का डाटा ओपन करोगे यानी नेट ओपन करोगे और आप रेसे रीलोड करोगे वो पेज लोड हो जाएगा। तो इसका अलग केस है, यानी इसका अलग सोल्यूशन है। प्लस आप दूसरा केस सुनिए जहाँ पर ओनली आपके डेस्कटॉप ये प्रॉब्लम हो रहा है बट आप जैसे ही फोन पे रीलोड करते हो तो पेज ओपन होता है, कोई भी दूसरे डिवाइस आप कर रहे हो रीलोड हो जाता है बट आपका ओनली ब्राउजर यानी आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे वो पेज नहीं हो रहा। तो उसका अलग केस है, यानी दो केस का मेथड मैं बताने वाला हूँ। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, आराम से स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। तो मेथड वन यानी केस टू, जहाँ पर आपके ओनली ब्राउजर पे वो पेज लोड नहीं हो रहा, बाकी सारे डिवाइस पे वो पेज लोड हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी अपना ब्राउजर ओपन करना है जिसपे वो लोड नहीं हो रहा, उसमें सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद देख सकते हैं प्राइवेसी का ऑप्शन है, प्राइवेसी में आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कुकीज़ का है इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे ही कीजिएगा, प्लीज़ इधर उधर मत जाइएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो सर्च करने का ऑप्शन है वहाँ पे अपना वेबसाइट का नाम सर्च कर लीजिए। मैं फॉर एग्जांपल यूट्यूब सर्च कर रहा हूँ बट मेरे केस में मैंने सारा कुकीज़ ही डिलीट करके बैठा हूँ। बट आपको कैसे करना आप देख लीजिए, जैसे आप सर्च करोगे आपको वो वेबसाइट के नीचे आने लगेगा और प्लीज उसे क्लियर कर दीजिएगा, पूरा कुकीज ही निकाल दीजिएगा और एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। अगर इसके बाद भी आपका वो पेज रीलोड नहीं होता यानी वो पेज डिस्प्ले पे कुछ नहीं दिखाता, सेम ये मैसेज आपको पॉपअप करता है यानी योर रिक्वेस्ट आईडी ऐसा वेस्ट है, उसके बाद आपको क्या करना है, सेम मेथड को मेथड 1.1 हम लिखवा रहे हैं जहां पर आपको इसी का सलूशन फिर से मिल जाएगा। यहां पे आपको क्या करना है, सेम आना सेटिंग्स में, आना सेटिंग्स में आने के बाद प्राइवेसी, आप यहां देख सकते हैं पूरा हिस्ट्री प्लस कुकीज पूरे सब कुछ डिलीट कर दीजिए, यस ऑल टाइम तक का डिलीट कर दीजिए, ऐसा नहीं 24/34 ऐसा कुछ भी नहीं, आप पूरा ऑल टाइम का डिलीट कर दीजिए और फिर से रीलोड कीजिए। इसके बाद भी आपका सोल्यूशन नहीं निकलता है तो प्लीज़ अब आ जाते हैं मेथड टू की ओर। और मेथड टू में है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे आपको ओपन करना है कंट्रोल पैनल। और प्लीज़ ध्यान तो सुनिएगा, कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद जैसे जैसे मार रहा हूँ वैसे वैसे आना आपको नेटवर्क में आना है, इंटरनेट ऑप्शन में आना है। इंटरनेट ऑप्शन के बाद आपको प्राइवेसी देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते साइट है। अब यहाँ पर मेरे केस में कोई साइट नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ कोई साइट नहीं दिखा रहा है, तो अगर आपके केस में यहाँ पे कोई साइट दिखा रहा है तो प्लीज़ इसे रिमूव कर देना, उस पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना पहले, फिर रिमूव कर सकते हो या तो रिमूव ऑल कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है कभी कभी कोई साइट आ जाता है, बाय मिस्टेक आपने कर दिया होगा बट आपको पता नहीं होगा, तो यहाँ से आप रिमूव ऑल कर दीजिएगा। इसके बाद भी आपका ये काम नहीं करता, आपका वो पेज रीलोड नहीं करता है, तब आ जाता है केस टू जहाँ पे आपकी एक ही वाईफाई से कनेक्टेड और कोई भी डिवाइस में वो पेज रीलोड नहीं कर रहा है बट आप जैसे ही मोबाइल का डाटा ओपन करते हैं और पेज को रीलोड करते हैं वो पेज ओपन हो जाता है। सही समय आपने यही आपके साथ हो रहा होगा और मोस्ट केसेस में यही होता है। इसके बहुत सारे रीज़न हैं और इसका मैं बताना नहीं चाहता रीज़न कितने सारे होंगे, बट इसका सोल्यूशन के लिए आप आए हो तो मैं सोल्यूशन आपको बता देता हूँ। तो थोड़ा सा आपको इसके जो सोल्यूशन है सिली लगेगा बट ये इफेक्टिव है, क्योंकि मेरे केस में इसी तरह इसका परमानेंट सोल्यूशन निकला था, यानी मेरी तरह ये आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। सबसे पहला आपको थोड़ा सिली लगेगा बट वर्थ इट होगा, आपको वो पेज 48 आवर्स तक रीलोड नहीं करना है, यानी कि 48 आवर्स तक उस पेज पे आप सर्च मत कीजिए। यस यही हुआ था मेरा, 34 आवर्स के बाद वो पेज मैंने रीलोड किया था तो मेरे केस में वो पेज लोड हो चुका था, बट आप प्लीज़ 48 आवर्स तक उस पेज को, मतलब वो जो लिंक है उस पर क्लिक मत कीजिए, यानी आप अगर उसको सेव किया तो उस पेज को ओपन ही मत कीजिए। यार मैं सही बता रहा हूँ, पेज ओपन मत कीजिए 48 आवर्स तक, याद रखिएगा 48 आवर्स तक उस पेज को आपको रीलोड नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, यानी आप भूल जाओ कि ऐसा कुछ पेज है उस टाइम तक 48, यानी दो दिन तक आप चीज़ भूल जाओ, तो आप एक बार रीलोड कीजिए, शायद आपको वो प्रॉब्लम सोल्यूशन मिल जाएगा उसकी। और नहीं तो भी नहीं हो रहा है, देख लीजिए 48 आवर्स रुक जाइए फिर से, प्लीज़ बोल रहा हूँ मैं, इससे मेरा इसी से सोल्यूशन निकला था। अब आ जाते हैं केस टू, यानी कि सेम इसी में मेथड आ जाता है नेक्स्ट मेथड, वो है आपके रूटर के साथ छेड़छाड़ करना पड़ेगा। क्या छेड़छाड़ करना पड़ेगा आपको बोलेंगे, बहुत सिली लगेगा बट शायद ये आपका काम कर दे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना रूटर ही बंद करना है 8 घंटे तक। यस थोड़ा सा सिली लग रहा है बट प्लीज़ ये भी आप एक बार करके देख लीजिए, मेरा 48 आवर्स में हो गया था बट आपका इनसे भी नहीं हुआ, तो लास्ट वही एक ऑप्शन होता है जहाँ पर आपको रूटर को 8 घंटे के लिए बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सर्विस प्रोवाइडर यानी जो भी इंटरनेट आपसे ले रहे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेन जो आपका जो बीच में आ जाना ये रूटर ही है जो आप सारे डिवाइस में आप कनेक्ट करते हो
और आप रिलोड करते हो तो पेज नहीं आता है। तो 8 घंटे तक उसे बंद रखिएगा, उसके बाद एक बार चेक कर लीजिए। अगर बाई चांस इसके बाद भी आपको सोल्यूशन नहीं निकले तो लास्ट एंड वन ऑप्शन है आपके पास, वो है रीसेट, आपको रूटर करना पड़ जाएगा। बट मेरे केस में मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ 48 आवर्स तक उस पेज को रिलोड मत कीजिए, और वो आपका पेज बाद में 48 आवर्स के बाद रिलोड में आएगा, यानी उसके पेज पर डिस्प्ले आने लगेगा। यही इसका सोल्यूशन है। बट फिर भी आप कहीं नहीं होता है तो मैंने जैसे बता दिया आपको, 8 घंटे तक रूटर ऑफ कर दीजिए। इसके बाद अगर वो भी नहीं होता है तो लास्ट वही ऑप्शन है, आपको रीसेट करना पड़ जाएगा आपको अपना रूटर। तो ये थे कुछ सारे मेथड 4 हो गए इसके अंदर, 4 मेथड मैंने बताए हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से कर लीजिए, और उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम होता है तो मैं बता दिया हूँ रीसेट करना ही आपका लास्ट ऑप्शन है। तो ये थे सारे मेथड जहाँ पे आपको इसका परमानेंट सोल्यूशन मिल चुका है, और आशा करता हूँ ये वीडियो कोई ना कोई एंगल से आपको पसंद आया होगा। पसंद है तो आपको पता ही क्या करना है, मिलते हैं नए फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।